हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टेट टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू राजपूत। दोस्तों, आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान महात्मा गांधी पर पाठ योजना कैसे तैयार की जाती है। आप किसी भी टॉपिक पर इसी प्रकार पाठ योजना बना सकते हो। लगातार मैंने हर एक टॉपिक पर आपको पाठ योजना बनाना बताया है, जो आपके बी एड डी एड में आपको बनाना होता है, आप उसी प्रकार बना सकती हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले इस इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है, जो कि आपको यहाँ पे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है प्रवेशित दक्षताएं। तो इसमें तीन पॉइंट लिखने होते हैं आपको। छात्रों को गांधी जी के महान व्यक्तित्व से परिचित कराया जाए, महापुरुषों के प्रति सम्मान की भावना का विकास किया जाए, छात्रों में नैतिक व सैद्धांतिक मूल्यों का छात्रों में विकास किया जाए। सेकेंड पॉइंट है आपका अपेक्षित दक्षताएं। तो आपका तीन पॉइंट इसमें भी लिखना है आपको। पहला है महात्मा गांधी जी के संघर्ष व जीवन काल को जान सकेंगी बच्चों को महात्मा गांधी के पूरे जीवन के बारे में पूरा सबको समझाना है। नंबर सेकंड है गांधी जी के नियम व विचारों में अपने जीवन में उतारना है, बच्चों को समझाना है। वो जैसा गांधी जी के नियम कानून थे, पूरा उनका पूरे नियम व विचारों को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। गांधी जी के सिद्धांतों को समझ सकें। प्रस्तावना आपका थर्ड हो जाएगा, भारत कब आज़ाद हुआ, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं और गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इसको तीन पार्टों में बांटा गया है, अधिगम प्रतिफल, अधिगम क्रिया, अधिगम सामग्री। तो आपको इस प्रकार मिलेगी। तो इसमें देखते हैं छात्रों को गांधी जी के विषय में बताना तथा उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों को बताना। मूल सिद्धांत जो गांधी जी रोज रेगुलर इस्तेमाल करते थे, रोज मतलब वो दिनचर्या थी उनकी, उनको बच्चों को बताना उस चीज़ को। अगला देखते हैं अधिगम क्रिया। गांधी जी के सत्य व अहिंसा जैसी मांगों पर चलने के लिए अभिप्रेरित करना। और अधिगम सामग्री होती है श्याम पर चौक, डस्टर, पुस्तक, गांधी जी की तस्वीर। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे गांधी जी की संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी उपलब्ध कराना तथा उनके समय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं को बच्चों को घटनाओं से अवगत कराना। भारतीय इतिहास में एवं महान व्यक्तित्व के विषय में पढ़ाकर बच्चों के मूल्यों को सुधारना। अधिगम सामग्री, यहाँ पे आपको क्या क्या सामग्री लगी थी आप वो बता सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे। आपको सहायक सामग्री का मानचित्र बनाना है, जैसा कि श्याम पर जी सब्जेक्ट आपको विषय डालना है, प्रकरण महात्मा गांधी, जन्म स्थान, पिता का नाम आपको इस प्रकार बोर्ड पर लिखना है, जो आपकी बुक हो जाएगी। तो चलिए श्यामपट कार्य देखते हैं। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको आंसर भी देना है। तो गांधी जी को क्या कहकर पुकारा जाता था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें बापू के नाम से पुकारा जाता था। गांधी जयंती कब मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था जी, क्या लिख रहे हैं, इसी दिन ही गांधी जयंती मनाई जाती है। मतलब गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था, इसी दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी कहाँ तक पढ़े लिखे थे। गांधी जी ने लंदन से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। तो चलिए अगला देखते हैं विस्तारण। विस्तारण में आपको तीन पार्ट इसमें बांटे गए हैं। गांधी जी को का पूरा भारतवर्ष में बापू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गांधी जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे प्रश्न में गांधी जी के जन्म के समय प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी दी गई है, और इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है इस प्रश्न से गांधी जी की जो शिक्षाएँ बच्चों को बताई गई हैं। अगला हो जाएगा आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में आपका क्या होता है, मूल्यांकन प्रश्न। गांधी जी का जन्म किस शहर में हुआ था। गांधी जी के पिता का क्या नाम था। गांधी जी को किसने मारा था। तो गृह कार्य गांधी जी की जीवनी लिख कर लाना है, और पर्यवेक्षण में आपको बताया गया है बच्चों को आसान भाषा में समझाना है। तो आपकी इस प्रकार पाठ योजना बनाई जाती है। यहाँ पर आपकी महात्मा गांधी पर पाठ योजना, जो अपन ने लेसन प्लान बनाया था, वो पूरा कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आप किसी भी टॉपिक पर बना सकती हो। दोस्तों, मैंने आपको पूरा विस्तार से जितना हो सके उतना समझाया है। आप इसी प्रकार पूरी पाठ योजना बना सकते हो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।